सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम, एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। अब तक की जो के लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पंजाब हुकूमत का पंजाब के मुलाज़मीन को एक इजाफी तनख्वाह देने का फ़ैसला। अब ये पंजाब की कौन से ऐसे सरकारी मुलाज़मीन हैं जिनको एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी, जो कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं कि पंजाब के ऐसे कौन से सरकारी मुलाज़मीन हैं जिनको एक इजाफी तनख्वाह देने का पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू किया है। ये ऐसे सरकारी मुलाज़मीन हैं जिनमें पुलिस, डॉक्टर और मेडिकल के स्टाफ जितना भी है इन तमाम को एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इकदामी फैसला किया गया है। ऐसे तमाम पुलिस के अफसरान और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स जो इस हंगामी सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर है, तो इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक इजाफी तनख्वाह देने का पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है। अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पंजाब हुकूमत ने पुलिस, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक इजाफी तनख्वाह देने का फ़ैसला किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।